वी गो इन द CWL वीडियो द डे 2 एंड हमारे साथ क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा पेनफुल मूवमेंट, इससे ज्यादा पेनफुल आपको कुछ नहीं लग सकता। लाइक लिटरली जो क्लैश ऑफ क्लैंस में मोस्ट पेनफुल थिंग है और उसमें भी हाईएस्ट लेवल पे जाकर के वो होना, तो वो डेंजरस होता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो डे 2 की तरफ लेकर के चलता हूँ। डे 3 तो अभी चल रहा है, स्टार्ट ही हुआ है। तो हियर वी गो द डे 2। हमने वॉर तो यहाँ पर विन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। 36-38 के मार्जिन से हमने विन कर लिया। यहाँ पर 1 स्टार हो गए थे, इस वजह से हमारे 38 स्टार ये टक गए। एंड यहाँ पर आप सभी को बताइए, ये CWL चैंपियन लीग 1 की है। एंड द मोस्ट पेनफुल मोमेंट क्या हो सकता है, 1 स्टार। आप सब बोलोगे CWL में 1 स्टार हो जाना, ठीक है भाई। एंड उसके बाद 1 स्टार भी कितना, सी दैट 99% 1 स्टार हो जाना, और वो भी कब, जब यू आर ट्राइंग टू गेटिंग अ फर्स्ट प्लेस इन द चैंपियंस लीग 1, द हाईएस्ट लीग ऑफ द CWL। मतलब जो कुछ हो सकता था हाईएस्ट लेवल पे वो हो गया, मतलब सबसे बुरा सबसे हार्ड CWL, 1 स्टार विद 99% अटैक, द पेनफुल थिंग यू एवर इमेजिन इन द क्लैश ऑफ क्लैंस। तो चलिए मैं आपको यही अटैक दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना, फेल अटैक देखने में एक अलग सेटिस्फैक्शन आती है भाई। 3 स्टार तो आपने बहुत देखे होंगे, हम 1 स्टार से शुरुआत करेंगे, 3 बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक स्ट्रेटजी कौन सी यूज हुई थी, जो मैंने कल भी आपको बताई थी, ड्रुइड सुपर विचेस फायर बोल वाली आर्मी। यहाँ पर बेबी ड्रैगन को डिप्लॉय कर दिया गया विद द ग्रैंड वार्डन, वार्डन से पूरा इनविजिबल करा। एंड यहाँ पर यूज किया गया फायरबॉल विद द अर्थक्वेक, कंपार्टमेंट क्लियर हो गया। अब नीचे की तरफ आ रहा था वार्डन, यहां किया गया एक वॉल ब्रेक, वो वॉल ब्रेक हो गया फेल। फिर एक और वॉल ब्रेक किया गया, फाइनली उसने जाकर के वॉल ओपन कर दी। एक साइड में क्वीन के साथ में आ गया है सिज बैरक, पैकर सही जा रहे, बट क्वीन को यहां पर ग्राउंड एक्स वो अटैक कर रहा था, बट फोर्स्टी यहां पर लिटिल बिट हेल्प कर रहा है, बट स्टिल दैट ग्राउंड एक्स वो इज डेंजरस। अब यार ये अटैक होगा शुरू तो टाउन हॉल वाली साइड से ही है, बट अभी यहां पर कोर में देखना क्या होता है। यहां अर्थक्वेक बूट्स यूज करें, मतलब टाउन हॉल फुल्ली ओपनड है, क्वीन भी जा रही है, क्वीन यहां पर देखो बाहर निकल गई, टीएच पे फ्रोस्टी चला गया, विजार्ड चले गए, बट नोबडी कैन गो फॉर द टाउन हॉल। यहां पर जो आर्मी है वो सेंटर आ चुकी थी, एंड इनको लग रहा था भाई ऑब्वियसली यार जब ऐसे साइड अटैक कर रहे हो तो टाउन हॉल लेना कौन सी बड़ी बात है। वो देखो एक रूट राइडर भी किया, अपने वॉल भी ओपन कर दी, मतलब टाउन हॉल एक्टिवेट भी हो गया, आर्मी चला गया उस तरफ, इस तरफ एक रूट राइड और सुपर विच भी आ गई, बट यहां पर टाउन हॉल डाउन नहीं कर पाए सुपर विच, 1 HP हो गया। उसके बाद 2 ड्रुइड गए टाउन हॉल को टेक केयर करने, भाई कितना बैड लक है, इतने सब कुछ। अब एंडिंग में क्वीन गई, क्वीन ने भी कुछ नहीं किया, रेज करा कि एटलीस्ट क्वीन निकाल ले, बट क्वीन भी डाउन हो गई। मतलब द बैड लक इज इनसेन, मतलब इतना सब कुछ अप्रोच किया टाउन हॉल को, बट टाउन हॉल डाउन हुआ ही नहीं। मतलब जो भी बैड लक आप बोल सकते हो अटैक में बोल लीजिए, इससे ज्यादा बैड लक आपने देखा है क्या? चैंप 1 CWL में आप CWL खेल रहे हो, हाईएस्ट लीग, वहां पर अटैक कर रहे हो और आपका अटैक हो रहा है 99% 1 स्टार, द पेनफुल थिंग इज दिस। देख लो रॉयल चैंपियन भी यहां पर डाउन हो गया, बचा था वार्डन, वॉल ब्रेक से थोड़ा बहुत टैंक कराया गया, आर्चर विजार्ड अपर साइड से फिनिक्स क्लियरिंग कर रहा था, टाउन हॉल का HP भी हाफ ऑलरेडी हो चुका था। यहां पर वार्डन ट्राई कर रहा है टू टेक डाउन दैट रिशॉन कैनन, उसने कर भी लिया, बट अब यहां पर वार्डन ने टारगेट किया टाउन हॉल को, टाउन हॉल आर स्टिल अप, सारी आर्मी चली गई पीछे। तो भाई एट द एंड हमें जो स्कोर देखने को मिला वो था 99% 1 स्टार, द पेनफुल अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस। तो भाई ये था हमारा, बाकी चलिए मैं आपको कुछ अटैक्स दिखा देता हूँ, एक सुपर आर्चर वाला अटैक दिखाऊंगा इसके बाद, एंड ये मेरा ही अटैक है। हमने किया था भाई अपना रेगुलर रूट राइडर्स आर्मी के साथ में, वही ये थोड़ा सा फनलिंग क्रिएट किया गया, एक तरफ किंग डाला गया, एक तरफ सिज बैरक को डिप्लॉय किया गया, आर्मी को कोर में पुश कराने के लिए थोड़ा सा वेट किया गया, एंड फाइनली आर्मी डिप्लॉय हुई, अर्ली क्वीन एबिलिटी आ गई, पूरा आर्मी अब कोर में जाने वाला था, बिकॉज दोनों साइड से सिज बैरक ऑन किंग ने क्लियरिंग बहुत अच्छा कर दिया था। कोर के अंदर में डबल रेज टावर थे, क्लैन कार्सन में से
आइस गोलम्स निकले थे, तो फ्रीजिंग करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने बखूबी अच्छे से फ्रीज किया, वार्डन एबिलिटी का यूज किया, किंग ने वैल्यू दे दिया, रॉयल चैंपियन डिड अमेजिंग जॉब एंड एट द एंड ये अटैक तो अपन ने सिक्योर कर लिया था 3 स्टार। ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं थी, बट जो पेनफुल मोमेंट्स हुए ना इस वाले डे पे, ये तो भाई अब तक नहीं हुआ था। 99% 1 स्टार चैंप 1 में यार, तो क्रेजी हो गया। बाकी हमारा ये अटैक तो क्रेजीली 3 हो गया। अब मैं आपको एक और अटैक दिखाऊंगा जो आप माइंड भी नहीं कर रहे होगे, आपने सोचा नहीं होगा करने का CWL में, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नंबर 3 के ऊपर में एक अटैक हुआ था, ये था सुपर आर्चर के साथ में, ये बार्बेनियम वाला अटैक आपने बहुत देखा होगा जब टाउन हॉल 16 के इतना ज्यादा बफ नहीं हुआ था, आर्मी रूट राइडर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो बहुत यूज होता था ये मेटा। बट इसमें अभी एक चेंजेस किया गया है, वार्डन के साथ में फायर बोल का यूज किया गया। तो इनिशियली वार्डन क्या करता है, स्वैगिंग के साथ में थोड़ा बहुत डैमेज दे देता है डिफेंसेस पे, और आपको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कर दी गई सारी की सारी सुपर आर्चर क्लोन एंड अब वैल्यू देख लीजिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि सुपर आर्चर अटैक इज नॉट वर्किंग, बैट हो रहे, तो भाई मैं एक चीज बताता हूँ, क्योंकि अभी रूट राइडर मेटा चल रहा है विद द सुपर विच इज फायरबॉल मेटा चल रहा है, तो जो ट्रैप अकॉर्डिंगली जो प्लेसमेंट है ना वो सुपर आर्चर्स के अकॉर्डिंग को भी नहीं कर रहा। लाइक रेयरली आपको मिलेगा कि सुपर आर्चर बैट करा दी बंदे ने, तो मेनली अब फोकस हो रहा है टू बैटिंग द रूट राइडर, बैटिंग द सुपर विच इज फायरबॉल ड्रुइड अटैक्स। तो ये वाला जो मेटा है ना, जो पुराना मेटा है, वो अभी काफ़ी अच्छे से काम करेगा। अगर आपको पहले आप ट्राई करते थे तो आप अपने CWL में ट्राई करके देखिएगा, ये मेटा स्टिल स्ट्रांग है और आपको एक अच्छा बेनिफिट देगा टू यूज दिस मेटा। आप ये अटैक देख सकते हो, उसमें केवल हीरोस हो, ये सुपर बारबेरियन केवल फनलिंग और स्पीड अप करने के काम में आते हैं, बाकी आपका किंग क्वीन आरसी मिलकर के पूरे बेस को 3 कर देते हैं। इस मेटा में पहले फायरबॉल नहीं हुआ करता था, जब फायरबॉल नहीं था तो इनिशियल वार्डन का उतना वैल्यू नहीं मिलता था, बट अब फायरबॉल है तो वार्डन का भी आपको अमेजिंग वैल्यू मिलेगा। तो आप डेफिनेटली अगर ये अटैक स्ट्रेटजी ट्राई करोगे तो यू विल लव इट। इसके मैं आपको बता देता हूं एबिलिटी, यहां किंग के ऊपर यूज हुआ है स्पाइकी बॉल विद द बारबेरियन पपेट। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो डोंट यूज द बारबेरियन पपेट, यू कैन यूज टाइम गॉन्टलेट विद द स्पाइकी बॉल, मच बेटर। अगर वार्डन की बात करूं तो यहां पर यूज हुआ है फायरबॉल, इटरनल टोम यही रखना पड़ेगा क्योंकि भाई आपको ब्लिंक को भेजना है, एंड क्वीन के अंदर हीलर पपेट विद द इनविजिबल वेयर की जगह आप फ्रोजन एरो यूज कीजिएगा। बाकी उसके अलावा आरसी के लिए हॉक पपेट एसवेल इज द बेस्ट, एंड इस तरीके से आप सारे बेसिस को टैकल आउट करके 3 स्टार भी निकाल लोगे और काफी बढ़िया ही रहने वाला है। तो अभी Day 2 तो हमने विन कर लिया, आपको समरी दिखा दी 38-36 से, परसेंटेज वाइज भी दिखा देता हूँ। अभी तो 2 दिन दोनों विन है, तो ये जो 2-3 स्टार का हमारे को डिफरेंस आया है ना, ये हम आगे चल के इजीली कवर अप कर सकते हैं। सीजन इन्फो में अभी हमने अटैक्स किए नहीं, अपोनेंट अटैक करना शुरू कर चुके, अभी हमने एक अटैक किया है, कुछ क्लैन ने ज़्यादा अटैक कर दिए, तो काइंड ऑफ यही सीन है। बाकी अपन इजीली अभी वॉर विन करेंगे, तो जो 10 स्टार डिफरेंस है वो अभी किसी भी क्लैन में नहीं है, 1 या 2 स्टार का डिफरेंस चल रहा है। जो नंबर 1 क्लैन है वो तो 5 अटैक कर चुका है, तो वो तो कहीं भी कम्पीट ही नहीं कर रहा है। बाकी हमने अभी किन किन क्लैंस को हरा दिया, तो आई गेस अगर राउंड में देखोगे तो नंबर 8 को हम हरा चुके, नंबर 5 को हम हरा चुके। करंट बोर्ड जो हमारा Day 3 चल रहा है वो अभी हमारा चल रहा है विक्टोरियंस क्लैन के साथ, तो इजीली इसको भी माइट भी हम विन कर लेंगे, दिक्कत तो नहीं है, 3 करने वो कर देंगे। बाकी यही कुछ रैंकिंग है, और इस वाले वॉर की एंडिंग रही कुछ 95.87% हमने किया, अपोनेंट ने किया 92.40, वी वॉन दैट वॉर। तो बेसिकली अब Day 3 का वीडियो आपको कल मिल जाएगा और भी कुछ अमेजिंग अटैक्स के साथ, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना, मिलते अगले एपिसोड में, तब तक क्लैश ऑन यू नाइस, टेक क्लैश, आई लव यू ऑल।